दुष्कर्म पीड़ित नेपाल के काठमांडू के एक युवती सहायता के आस में एक सहेली के बुलावे पर नागपुर पहुंची तो निराश नहीं हुई। कोराड़ी के थानेदार वजीर शेख ने युवती की शिकायत पर जीरो की क्राइमी के तहत पीड़िता की एक अन्य सहेली व आरोपी सुप्पी विश्वकर्मा तथा प्रवीण यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। घटनास्थल उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ा होने के कारण कोराड़ी थाने के पुलिस दल के साथ पीड़िता को लखनऊ के चिनहट थाने के लिए रविवार शाम टूरिस्ट कार से रवाना किया गया। पीड़िता ने कोराड़ी पुलिस का आभार माना। पुलिस ने उसकी आर्थिक मदद भी की। प्रकरण की जांच अब चिनहट पुलिस करेगी। वीडियोस और फोटोज निकाले थे उस पे अपलोड कर दिए। वो लड़की के रिलेटिव्स को भेजा गया काठमांडू को और ऐसा टॉर्चर होने लगा उसके साथ। इसका कंप्लेंट ना हो इसका रुबाब दिखाने के लिए उसने अपने भाई आर्मी में है, बड़े पद पे है, वो मेरे को छुड़ा लेगा और छूट के आने के बाद मैं फिर से यही काम करूंगा और तेरे को ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, ऐसे धमकाया। वहाँ एक कांस्टेबल को लेके आया लखनऊ के और ये लड़की को ऐसे दिखाया कि पुलिस में भी मेरी बड़ी पहचान है, यहाँ तेरे कोई कंप्लेंट नहीं लेने वाला। ये लड़की को इनसिक्योर लगने लगा। उसने नागपुर स्थित उसकी और एक नेपाली लड़की उसको फ़ोन करके उसकी मदद मांगी। नागपुर स्थित लड़की ने अपने हस्बैंड को बोली। वो लड़की के हस्बैंड ने ये पीड़िता को ओला कार बुक करके देखे लखनऊ से नागपुर उसको आने के लिए बताया। नागपुर आने के बाद वो दो दिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उसकी। रिलैक्स होने के बाद 3 तारीख को हमारे पास पहुंच गई। मैंने मेरे सीनियर ऑफिसर ACP साहब, DCP साहब, एडिशनल CP साहब और CP साहब अमितेश कुमार साहब सबकी सलाह लेके मार्गदर्शन लेके हमने 0 नंबर से केस को नागपुर में रजिस्टर किया। कल शाम को ये पीड़िता को लेडीज पुलिस, दूसरी पुलिस पार्टी इनके साथ में लखनऊ में भेजा गया है। वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ ना।